चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी बजा देना ताकि मेरे हर एक अपडेट सबसे पहले आपको मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम फूड एंड केयर। मैं रश्मि आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपको पता चल ही गया होगा आज का रेसिपी कितना हेल्दी और टेस्टी होने वाली है। सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज मैं आपको घर पे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से सुपर टेस्टी कुरकुरा बिस्किट, वो भी गेहूं के आटे से बनाना दिखाऊंगी। कढ़ाई में इजीली ये रेसिपी बनाने वाली हूँ ताकि घर पे ओवन ना होने पर भी आप अपने बच्चों को और घर वालों को ये हाइजेनिक और हेल्दी गिफ्ट दे पाओ। आटे से बिस्किट बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप गेहूं के आटा लिया है। इससे 10 से 12 बिस्किट बन पाएगा। आटे को छान लेंगे। केक हो चाहे बिस्किट हो, आटे को या फिर मैदे को छान लेना अच्छा रहता है। आप अगर मैदे से बिस्किट बनाओ तो भी मैदे को छान जरूर लेना। आप अपने घर के कोई भी मीडियम साइज के 1 कप से मेजरमेंट कर सकते हो। और लिया है 1/2 कप बेसन। बेसन से कुरकुरा बनेगा बिस्किट, कोई सा ही बेसन चलेगा। बेसन भी छान लेंगे। जिस कप से आटा लिया था उसी कप के 1/2 कप बेसन है। अब 2 चुटकी नमक लेंगे, इसे भी छान लेंगे। बड़े बड़े दाने अलग हो जाएंगे। अब 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची की खुशबू इस बिस्किट में एक शानदार टेस्ट लाएगा। लेकिन आपके पास अगर इलायची ना हो तो आप मत डालो, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 कप के 3 भाग के 1 भाग पीसी हुई शक्कर लेंगे। मिक्सी में शक्कर को पीस लिया है। जिस कप से आटा लिया था उसी कप के 1/3 भाग शक्कर है, इसे भी छान लेंगे। बड़े बड़े दाने अलग हो जाएंगे वरना बिस्किट फूलेगा नहीं। आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप शक्कर का क्वांटिटी और बढ़ा सकते हो। अब इसमें हम 1/2 कप घी मिलाएंगे। धीरे धीरे मिलाएंगे। टोटल मुझे 1/2 कप घी लगा है। जिस कप से आटा लिया है उसी कप के 1/2 कप घी लेंगे। अब बटर भी ले सकते हो। बटर हो या घी हो, बिल्कुल पतला मतलब तेल की तरह लिक्विड मत लेना। अगर ये बिल्कुल पतला हो तो आप थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख देना। देखिए, इसे बहुत अच्छे से मिलाएंगे। इसे रोटी के डो की तरह मत गूंथना, बस उंगलियों से मिलाते जाना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इतना मिलाना है कि आटा घी छोड़ने लगे, मतलब आटा अच्छे से चिकना हो जाए और टाइट मुट्ठी बनना चाहिए बस। और मुट्ठी को हल्का प्रेशर देने से टूट जाना चाहिए। अब इसमें 3 छोटा चम्मच दूध मिलाएंगे। दूध सिंपल गाय का दूध है और रूम टेम्परेचर में है। अब एक डो की तरह बनना चाहिए, देख सकते हो। अब क्या करना है, छोटे छोटे लोई बना लेंगे। जिस साइज के आप बिस्किट बनाना चाहते हो उस साइज के लोई बना लेंगे, इससे काम आसान होगा। आपको एक आसान ट्रिक दिखाऊंगी बिस्किट के शेप देने का। ऐसे एक बॉक्स लिया है जिससे चौकोर साइज के बिस्किट बना सकते हो। बस बॉक्स में थोड़ा घी या तेल लगा लीजिए और ऐसे लोई को अंदर प्रेस करके शेप देना है और बस निकाल लीजिए। है ना बिल्कुल आसान तरीका। आपके पास ऐसा कुछ भी है तो उससे बना सकते हो आप। आप अगर मैदे के बिस्किट बनाना चाहो तो प्रोसेस सेम ही है, बस आटे के बदले आपको मैदे का इस्तेमाल करना है और बिस्किट्स भी आपका बहुत टेस्टी बनेगा। सारे बिस्किट रेडी कर लिया है। बिस्किट्स के ऊपर आप कोई सा डिजाइन बना सकते हो, फोर्क से, चाकू से या फिर बोतल के कैप से कोई भी डिजाइन दे सकते हो। अब क्या करेंगे, एक इम्पोर्टेंट स्टेप करना होगा। ये गाय का दूध है, 2 चम्मच लिया है। इसमें 1 चम्मच शक्कर पाउडर मिलाना है। इसे हम बिस्किट्स के ऊपर ब्रश करेंगे। इससे क्या होगा कि एक सुंदर लुक आएगा बिस्किट्स में, कलर अच्छा आएगा और ऊपर एक क्रस्ट आएगा। इससे अब बिल्कुल स्किप मत करना। अब हमने कढ़ाई को ढककर 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। इसमें थाली रख देंगे। अंदर नमक बमक कुछ भी नहीं डालना। थाली में एक एल्युमिनियम रैप लगा ली है। आप बटर पेपर भी लगा सकते हो।
या फिर सिंपल तेल से भी ग्रीस कर सकते हो थाली को। अब इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर 25 मिनट तक बेक करेंगे। आप ओवन में 160 डिग्री पर 15 मिनट तक बेक कर सकते हो। बीच में एक बार चेक कर लेना कि जल तो नहीं रहा। 15 मिनट बाद एक बार चेक कर सकते हो। देखिए 25 मिनट हो चुका है। वाव, आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है। कितना सुंदर और अच्छा लग रहा है। लग रहा है ना बिल्कुल बेकरी स्टाइल बिस्किट्स। कौन बता सकता है कि ये आटे से बनी इतना हेल्दी है। ये देखिए कितना कुरकुरा बना है, कैसे टूट रहा है आप देख सकते हो। और ये क्रस्ट ऊपर नीचे आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट बिस्किट बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। ये बिस्किट एक बार बनाओगे तो बाहर के बिस्किट भूल जाओगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक तो ज़रूर करना। मेरे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके ड्रीम फूड एंड केयर के परिवार में जल्दी से शामिल हो जाइए। अपना ध्यान रखें और परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।